यहाँ आने का जो मुद्दा था वो है परिवार को मिलना, और जब ये 15 जनवरी का जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें मुझे बताया गया था कि जो परिवार है, जो माताजी हैं हेमराज के, जो की पत्नी है, उन्होंने व्रत रखा हुआ है और वो व्रत तब तोड़ेंगे जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यहाँ पे आएंगे। इसी कारण मैं उस वक्त मैंने बताया था कि मैं पक्का आऊँगा, मैं उनके परिवार से मिलूंगा, क्योंकि ये मेरा परिवार है, ये तो मैं इनको मिलने आया हूँ। बेसिक किसका मुद्दा यही है इनको बताने के लिए, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिडैरिटी कंसर्न, इट इज़ टू कंडोल द फैमिली, और इसलिए मैं यहाँ पे हूँ और ये बताने के लिए, उनको आश्वासन देने के लिए कि जो उनका हक है ने मिलेगा। हम जो कुर्बानी दी है लास्ट नाइट हेमराज ने, हम उसकी कदर करते हैं और हमेशा उसकी जो कदर करते रहेंगे, पूरा देश कदर करेगा, जो सेना है उसकी कदर करेगी, और जो इनकी मांगे हैं उनके ऊपर हम पूरा कंसिडर करेंगे। इनकी डिमांड्स जो हैं फौज की तरफ से, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी, और जो तजवीज़ के तहत, जो रूल्स के पोजीशन के तहत जो उनकी जो हक है वो जल्द से जल्द इनको मिल जाएगा।